अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अखिलेश यादव का बीजेपी पर डिजिटल वार। अखिलेश यादव ने बीजेपी की सोच पर उठाए सवाल। बीजेपी पर बिहार की सियासी गतिविधियों पर लगाया आरोप। अखिलेश यादव के तंज से बीजेपी तिलमिलाई। सपा समर्थकों ने अखिलेश यादव का किया समर्थन। यूपी की सियासत में इन दिनों डिजिटल सियासी वारों का दौर चल रहा है। एक तरफ बीजेपी और दूसरी तरफ सपा। यूपी की सियासत में ये दोनों दल हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। एक बार फिर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा और वायरल होती एक तस्वीर को लेकर तंज कसते हुए निशाना साधा। दरअसल सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक गांव में लोग अमित शाह की रैली को LED स्क्रीन पर देख रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा और ट्वीट करते हुए जमकर सियासी सुर्खियां बटोरी। बीजेपी की वर्चुअल सम्मेलन पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ट्वीट किया और लिखा, सपा ने भविष्य की पीढ़ियों को सशक्त करने के लिए उन तक लैपटॉप पहुंचाए, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने कोरोना बीमारी पर जीत हासिल करने की जगह चुनाव जीतने के लिए जंगल तक में LED लगवाए। इसे कहते हैं सोच का अंतर। अखिलेश यादव ने बीजेपी की सोच पर सवाल उठाते हुए कई आरोप लगाए। अखिलेश यादव के सवालों से भले ही बीजेपी को मिर्ची लग रही हो, लेकिन अगर देखा जाए तो सवाल इस बात का है कि कुछ हफ्ते पहले तक जब लोग सड़कों पर चल रहे थे तो बीजेपी उनके घर जाने का इंतजाम करने में हाँफ रही थी। उनको खाना देने के लिए बीजेपी के पास संसाधन नहीं थे, ऐसा बीजेपी नेताओं का कहना था। लेकिन अब रैली को लोगों को दिखाने के लिए जंगलों में TV लगा दिए गए, जो बताता है कि चुनाव के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। ऐसा आरोप हर विपक्षी दल लगा रहा है, फिर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर BSP, कांग्रेस हो या फिर RJD। लेकिन इन सबसे पहले बीजेपी लगातार अपनी वर्चुअल रैलियों के जरिए आगे बढ़ रही है। ऐसे में अब सवाल इस बात का है कि आखिर चुनावी दिलचस्पी से परे बीजेपी को आवाम की परेशानियों में कोई दिलचस्पी क्यों नहीं होती, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही बीजेपी नेता जो संसाधनों की कमी का रोना कुछ दिन पहले तक रो रहे थे, आखिर उनके पास अब इतने संसाधन कहां से आ गए कि रैली को दिखाने के लिए वर्चुअलिटी को अपना रहे हैं और गांव-गांव LED लगाकर लोगों को रैलियां दिखा रहे हैं। आखिर जिस तरीके से रैलियां दिखाने के इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या लोगों के खाने पीने का इंतजाम सरकार नहीं कर सकती थी? क्या सरकार जो बजट अब खर्च कर रही है, इस बजट को लोगों की परेशानी के वक्त में खर्च नहीं कर सकती थी, जिससे सरकार को प्रचार की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और लोग खुद ब खुद सरकार की तारीफ करते और सरकार को वोट देते? ये एक बड़ा सवाल है और विचार करने योग्य एक मुद्दा है। अखिलेश यादव के तंज पर अब बीजेपी क्या पलटवार करेगी, वो तो आने वाले वक्त में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल अखिलेश यादव बीजेपी को हर मोर्चे पर घेरने की कोशिश करते हैं, आगे भी ये कोशिशें जारी रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।